कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बेचारी बहू। एक सुंदरपुर नाम के शहर में शीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको एक बेटा था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश बहुत ही होनहार था। वह एक बड़े कंपनी में काम किया करता था। एक दिन सुरेश एक फूल वाले की दुकान पर गया। उसे ऑफिस कार्यक्रम के लिए बुके लेना था, इसीलिए वह बुके लेने के लिए एक दुकान के सामने खड़ा रहा। वहां उसने एक बुके देख रखा था। तभी उसने सामने देखा तो एक लड़की उससे पूछ रही थी, साहब आपको ये वाला पसंद आया है तो पैक कर दूं? हाँ, ये वाला पैक करके दो। कितने रुपए हुए आपके? साहब 300 रुपए हुए। ये लो तुम्हारे पैसे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। मैं यहाँ फूल बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से बुके लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। मगर उसके दिमाग में रेशमा के बारे में विचार आने लगे। वह सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन रेशमा की दुकान पर सुरेश ऐसे ही फूल लेने गया। तब उसे रेशमा दिखती है। वह एक फूल खरीदता है और रेशमा को देता है। तभी सुरेश रेशमा से, रेशमा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं कहा गरीब और आप अमीर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इन सब बातों को नहीं मानता, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आपके घर वाले मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? मेरी माँ इस शादी को नहीं मानेंगी, मगर मैं शादी करके घर चला जाऊंगा तो वो हमें स्वीकार कर लेगी। सच में ऐसा होगा? हाँ। तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुरेश ये सब सुनकर अगले महीने शादी करने का निश्चय करता है। तभी रेशमा और सुरेश एक दूसरे को समझ लेते हैं। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सुरेश ये सब सुनकर अगले महीने शादी करने का निश्चय करता है। तभी रेशमा और सुरेश एक दूसरे को समझ लेते हैं। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वह मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद सुरेश कहने के मुताबिक उसे अपने घर लेकर चला जाता है। उसकी माँ उसे देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। मगर उसके साथ लड़की देख उससे पूछती है, अरे सुरेश ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ ये रेशमा है, मैंने इससे शादी कर ली है, अब ये इस घर की बहू है। ये क्या कह रहे हो बेटे, मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे रिश्ते देख कर रखे थे और तुमने इस गरीब से शादी कर ली? माँ आप इसे कुछ मत कहिए, मैंने मेरे मर्जी से इससे शादी की है, आप इसको कुछ नहीं बोलोगी? और रहा सवाल गरीबी का, तो मैं सिर्फ इंसान देखता हूँ, पैसा नहीं। उसकी ये बातें सुन शीला, ठीक है बेटा तुम कह रहे हो तो मैं इसे अपनी बहू मान लेती हूँ, मगर इसे हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। मैं सीखूंगी माँ जी। ऐसा कहकर सुरेश और रेशमा अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अगले दिन रेशमा अपने घर में किचन में खाना बनाती है। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है और घर के सारे काम कर लेती है। उसके साथ शीला को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अब एक दिन शीला रेशमा से, अरे रेशमा मेरे लिए जरा चाय लेकर आना। जी माँ जी अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा उन्हें चाय लेकर आती है। चाय लाने में थोड़ी देर हो जाती है तो शीला उसे कहती है, अरे बहू चाय बना रही हो या खीर बना रही हो? नहीं माँ जी ये देखो मैं ले आई। शीला चाय पीकर देखती है तो उसे चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, मगर बहू को कुछ बुरा भला कहने के लिए उसे कहती है, अरे बहू चाय तो ढंग से बनाया करो, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। माँ जी मैं दूसरी बना कर लाऊ? नहीं रहने दो, यही रह गया था, डबल चाय बनाओ और मेरे बेटे के पैसे खर्च करो। रेशमा कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद रेशमा किचन में काम करने के लिए निकल जाती है। उस दिन शीला रेशमा के लिए बहुत सारे कपड़े धोने के लिए निकालती है। तभी, बहू ओ बहू सुनती हो, यहाँ कपड़े पड़े हैं धो देना। रेशमा वहाँ आकर देखती है तो वहाँ इतने सारे कपड़े पड़े होते हैं। उन्हें देख रेशमा अपनी सास से, हाँ माँ जी मैं धो दूंगी, अब चिंता मत करिए। ऐसा कहकर रेशमा अपना घर का काम निपटाकर 3 बकेट कपड़े धो डालती है और उसे सुखाने के लिए टेरेस पर चली जाती है। थोड़ी देर में रेशमा कपड़े सुखाकर आ जाती है। अब नीचे आकर उसके सास ने बाहर से टहलकर आने के बाद पैर साफ नहीं किए और वैसे ही घर भर घूमती ही रही। ये देख रेशमा समझ गई कि माँ जी जानबूझकर ऐसे कर रही है। ये देख शीला रेशमा से, अरे बहू घर देखो कितना गंदा हो गया है, देखो जरा इसे जल्दी साफ करो। जी माँ जी अभी कर देती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा अपना घर साफ कर देती है और सबके लिए खाना लगाने के लिए किचन में आ जाती है। खाना जल्दी जल्दी गर्म करके परोसती है।
सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रेशमा सबको खाना परोसती है। तब सुरेश बोलता है, रेशमा खाना बहुत अच्छा बना है। रेशमा ये सब देख मुस्कुराई, मगर शीला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह मन में कुछ सोचकर खाना खा लेती है और सोने चली जाती है। अगले दिन रेशमा खाना बनाती है और कुछ काम याद आने की वजह से किचन से बाहर चली जाती है। और तभी शीला किचन में आकर सब्जी में बहुत सारा मिर्च पाउडर डाल देती है और दूसरी सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है। ये सब डालने के बाद शीला किचन से बाहर जाकर हॉल में बैठ जाती है। अब शीला रेशमा से बोलती है, अरे बहू, ओ बहू, आज खाना नहीं बनाया क्या? बनाया है ना माँ जी, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी सुरेश आएगा उसके साथ ही खाना खाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर शीला हॉल में पेपर पढ़ रही थी। तभी थोड़ी ही देर में सुरेश घर आ गया। उसे देख रेशमा, अजी आप आ गए, माँ जी कब से आपका खाने पर इंतजार कर रही है। अच्छा तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश फ्रेश होने चला जाता है। तभी रेशमा सब खाना गरम करके टेबल पर लगा देती है और खाना परोसती है। तभी रेशमा उसकी सास को आवाज देती है, माँ जी आइए, खाना लगा दिया है। हाँ आई। ऐसा कहकर शीला मन ही मन मुस्कुराई और खाना खाने टेबल पर आ गई। अब सुरेश भी आ गया। अब दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी शीला एक निवाला खाती है तो उसे सब्जी बहुत तीखी लगती है। वह उसे वही थूकती है। थू 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 थू, अरे ओ कमबख्त, अभी मानना चाहती हो क्या तुम मुझे? क्या हुआ माँ जी? अरे खाने में क्या मिलाया है तुमने, इतना तीखा, और ये सब्जी तो मैं खा भी नहीं सकती। अरे माँ ऐसा क्यों कह रही हो, रेशमा खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। अरे तू भी खा के देख फिर बोल। सुरेश एक निवाला खाता है तो एक ही मिनट में वह निवाला बाहर निकाल डालता है और रेशमा से बोलता है, अरे रेशमा तुमने आज खाना कैसे बनाया है, इतना तीखा और इतना नमक खाने में कोई डालता है क्या? अजी मुझे सच में नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने कम ही नमक डाला था। रेशमा अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? ऐसा खाना बनाओगी तो माँ तुम पर और गुस्सा हो जाएगी। जी अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा ये खाना डाल दो और दूसरा खाना जल्दी बनाओ, मैं बाहर हूँ। जी मैं अभी बनाती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा किचन में जाकर खाना बनाती है, मगर मन में सोचती है कि ये कैसे हुआ, मैंने तो नमक और मिर्च पाउडर सही तरीके से डाली थी, ये कैसे हो गया। रेशमा अब जल्दी जल्दी में खाना बना लेती है और खाना बनाकर सबको फिर से बुला लाती है। तभी सारे खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खा लेते हैं। सबको खाना खाते देख रेशमा बहुत खुश हो जाती है। वह सुरेश से, अजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझा और फिर से खाना खाने के लिए आ गए। अरे आते कैसे नहीं, खाना नहीं खाते तो भूखा ही सोना पड़ता। ऐसा कभी हो सकता है भला, मैं आप दोनों को भूखा सोने दूँ? चलो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम तुम्हारा काम जल्दी खत्म करो और आ जाओ। जी मैं काम खत्म करके आती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा किचन का काम करने चली जाती है। सुरेश भी सोने के लिए चला जाता है। शीला भी सोने चली जाती है और मन में बहुत खुश हो जाती है। शीला मन ही मन में, आज कैसे सबक सिखाया है रेशमा के बच्ची को। ऐसा कहकर शीला खुशी खुशी सो जाती है। अगले दिन शीला घर में बैठी थी तो उसके घर में एक दूर की रिश्तेदार सुमन आती है। कोई है घर में? अरे सुमन आओ ना, कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारे ही काम से आई हूँ। ये देखो लड़की, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत पैसे वाली है और ढेर सारा दहेज भी मिलेगा। अरे उसका अब क्या फायदा? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे मेरे बेटे ने छुपके से शादी कर ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे शीला देखो, अगर तुमने तुम्हारी बहू को इस घर से निकाल दिया तो तुम लाखों रुपए की मालकिन बन सकती हो और तुम्हारे बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी चलती हूँ। जी। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और शीला दिन भर उस बारे में सोचती रहती है। तभी रेशमा कपड़े सुखाने के लिए टेरेस पर चली जाती है तो शीला के दिमाग में एक विचार आता है और शीला खुद से, इस रेशमा के बच्ची को अगर मैं छत से धक्का दे दूं तो किसी को खबर भी नहीं होगी और मुझ पर नाम भी नहीं आएगा। ऐसा सोचकर शीला छत पर चली जाती है और देखती है कि रेशमा कपड़े सुखा रही है। तभी शीला उसे धक्का देने ही वाली थी कि रेशमा कपड़े डालने के लिए दूसरे बाजू चली जाती है। शीला जोर से आने की वजह से पैर फिसल कर नीचे गिर जाती है, उसे बहुत चोट आ जाती है। तब रेशमा उनके पास जाकर, अरे माँ जी आप कैसे गिर गई, उठिए मुझे हाथ दीजिए।
शीला दर्द से बहुत तड़प रही थी। वैसे ही उसने रेशमा को हाथ दिया। पड़ोसियों की मदद से रेशमा ने उसकी सास को अस्पताल लेकर आई और उनका अच्छी तरह से इलाज करवाया। उनके हाथ पैर टूट गए थे, सभी जगह प्लास्टर बंधा हुआ था। तभी शीला मन में सोचती है, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरे इतने सताने के बाद भी देखो मेरी कितनी सेवा कर रही है। मैं गलत थी, मैंने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी। तभी शीला सुरेश से, सुरेश मेरी बहू हीरा है हीरा, आज वो नहीं होती तो मेरा क्या होता। माजी आप ऐसा मत कहिए। माँ तुम अब आराम करो, बातें बाद में होती रहेगी। नहीं रे सुरेश, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, मगर मैं गलत थी। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी सब बातें मानती है और उसके बदले में उफ भी नहीं करती। ऐसा कहते कहते शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रेशमा वह आंसू पोंछती है। माजी आप आराम करिए, रोइए मत, मैं यही हूँ, ठीक है। अब शीला कुछ दिनों बाद घर आ जाती है, तब रेशमा उसकी बहुत सेवा करती है। अब रेशमा और शीला खुशी खुशी रहने लगे थे। ये सब देख सुरेश भी बहुत खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, भगवान उसके साथ वैसा ही करते हैं। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। श्रीरामपुर नाम के गांव में एक राम नाम का किसान रहा करता था। उसके पत्नी का नाम था राधा। राधा को एक बेटी थी जिसका नाम था सुहानी। सुहानी बहुत ही समझदार थी, वो स्कूल में जाया करती थी। राम हर दिन खेत में जाकर अपना काम किया करता था। उसके साथ राधा भी हाथ बटा दिया करती थी, उससे राम को बहुत मदद हो जाती थी। एक दिन राम को अच्छा नहीं लग रहा था, तब राधा राम से, अजय आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। राधा मैं आज सोच रहा हूँ घर पर रहकर ही आराम कर लूँ। हाँ आप ऐसा ही कीजिए, मैं खेत में जाकर देखती हूँ, ठीक है। ठीक है राधा, मगर जल्दी वापस आना। हाँ ठीक है। अब राधा खेत में काम करने के लिए चली जाती है। खेत में जाते ही वो काम करने लग जाती है। काम करते करते उसे शाम हो जाती है, उसका उसे पता भी नहीं चलता। वो शाम होने पर घर जाने के लिए निकलती है, तभी उसे घर जाने के लिए बहुत देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी घर जाने के लिए निकलती है, तभी उसे रास्ते में बारिश लगती है। बारिश की वजह से राधा एक पेड़ के सहारे खड़ी रहती है। वो तेज़ बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है। बहुत देर होने के बाद भी बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती, इसीलिए राधा घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे रास्ते में जाते जाते पेड़ को कुछ काट लेता है। उसे वक्त ही नहीं मिलता कि उसे किसने काटा है ये देखने के लिए। वो जल्दी जल्दी में घर पहुंच जाती है और घर जाकर अपने कपड़े बदलकर खाना बनाने के लिए लगती है। तभी सुहानी उसके पास आकर उसे कहती है, माँ तुम्हारे पैर में क्या हुआ है, देखो उस पर कितनी सूजन आई हुई है। अरे हाँ, खेत से जल्दी जल्दी आते समय पैर को किसी कीड़े ने काटा होगा, कल तक अच्छा हो जाएगा, चलो हम खाना खाते हैं। राधा खाना लेकर आती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी राम राधा से, राधा खेत में जाती हो तो थोड़ा जल्दी आया करो, आज देखो देर हो जाने की वजह से बारिश में भीग गई ना। हाँ जी कल से घर जल्दी आऊंगी। ऐसा बोलकर वो सब खाना खा लेते हैं और खाना खाकर सभी सो जाते हैं। राधा अगले दिन सुबह जब उठती है तब वो देखती है कि उसका पैर अब बहुत सूज गया था और उसे उसके पैर से उठा भी नहीं जा रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब वो सुबह नहीं उठी तो राम उसे देखता है, तो वो उठी हुई बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे देख राम राधा से, राधा आज उठना नहीं है क्या, सुबह हो गई है। अजय मुझसे ये पैर हिलाया ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, मैं कब से उठकर बैठी हूं, मगर उठ नहीं पा रही हूं। अरे कुछ नहीं तुम आराम करो थोड़ी देर, ठीक हो जाएगा। अजय ये पैर अंदर से बहुत दर्द कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरा काम करके आता हूँ, बाद में तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर जाऊंगा, ठीक है। हाँ जाओ जल्दी अपना काम करके वापस आना। हाँ तुम्हारे पास सुहानी रहेगी, मैं जल्दी वापस आता हूँ। जी। ऐसा कहकर राम घर से काम करने के लिए चला जाता है। जब राम घर वापस आता है तो वो देखता है कि राधा को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। ये देख राम जल्दी से वैद्य जी को बुलाने जाता है। तभी वैद्य जी से राम, वैद्य जी मेरी पत्नी राधा को बहुत तेज बुखार है और कल उसके पैरों को कुछ काटा भी था, उसके वजह से उसके पैर में सूजन भी आ गई है। आप जल्दी चलिए वैद्य जी, मुझे बहुत चिंता लग रही है। ठीक है राम चलो मैं आता हूँ, मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसे क्या हुआ है। ठीक है वैद्य जी आप जल्दी चलिए, चलो राम। ऐसा कहकर राम के साथ वैद्य जी चलने लगते हैं।
वो जल्दी ही राम के घर पहुंच जाते हैं। घर में राधा बुखार से फनफना रही थी। उसका तेज बुखार देख वैद्य चिंता में डूब गए। वो उसके पैर के पास देखते हैं, तो उसे जहरीले कीड़े ने काटा था। ये सब देख वैद्य जी, राम राधा को ये सब कल ही हुआ है ना? हाँ वैद्य जी, कल ही उसे कुछ काटा है। इसे किसी विषारी कीड़े ने काटा है राम, इसलिए उसका विष इसके पूरे शरीर में फैल गया है। मैं कुछ दवाइयां देता हूँ, तुम इसे वक्त पे देते रहना, ठीक है? मैं शाम को आकर देखता हूँ कि इसकी तबीयत में सुधार है या नहीं। जी वैद्य जी, ये दवाई खाना खाने के बाद ही देनी है ना? और ध्यान रहे, उसको उठने मत देना, नहीं तो ज्यादा तकलीफ होगी। जी वैद्य जी। ऐसा कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। राम राधा को खाना खिलाकर उसे दवाइयां देता है। ये सब देख राधा राम से, अजी मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है ना? मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगी। अरे राधा, तुम कुछ भी बोलती हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा बताओ, और हमारी फुलसी बच्ची का क्या होगा? अजी मुझे लगता है मैं अब आपके साथ कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, इसलिए आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना। मेरी बच्ची को माँ का प्यार भी तो मिलना चाहिए ना? राधा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। ऐसा कहकर राधा अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। तभी राम अपने बाकी के काम कर लेता है। मगर शाम होने पर भी राधा नहीं उठी, इसीलिए राम उसे उठाने चला जाता है। राधा का बदन ठंडा लगा तो राम ने उठाने के लिए उसे हिलाया, तो उसे महसूस होता है कि राधा बेहोश है। वो वैद्य जी के पास चला जाता है और वैद्य जी उसके साथ चले जाते हैं। राधा को देखते ही राधा को देख वैद्य जी, राम राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं वैद्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो राधा ठीक थी ना? राम खुद को संभालो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। उसके शरीर में जहर का असर ज्यादा हुआ था, इसलिए मैं उसे बचा नहीं सका। ऐसा कहकर वैद्य जी वहां से चले गए। राम का तो जैसे जीवन उजड़ गया था। वो राधा के अंतिम संस्कार करके घर पर अपने बच्ची के साथ वक्त बिताता था। राम अब उदास रहने लगा था, मगर अपने बेटी की खातिर दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है। थोड़े दिनों बाद राम सुजाता से शादी कर लेता है। सुजाता से राम, सुजाता तुम्हें सुहानी को अच्छी तरह से संभालना है, जैसे मेरी पहली पत्नी राधा संभाला करती थी। जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सुहानी का अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर सुजाता सो जाती है। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सूखी रोटी खा लेती है और वही सो जाती है। शाम को राम घर पर आता है तो वो सुहानी के पास चला जाता है। सुहानी का चेहरा उसे उतरा हुआ दिखाई देता है। वो सुहानी को उठाकर पूछता है, सुहानी बेटी यहाँ ऐसे क्यों सोई हुई हो, क्या हुआ है तुम्हें, सब ठीक है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, मुझे बताओ जरा। पिताजी मेरी पहली माँ कितनी अच्छी थी, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा तो मुझे दूसरा बनाकर देती थी, मगर ये माँ ऐसा नहीं करती। ऐसा कहकर वो उठने लगती है। तभी राम सुहानी से, क्यों बेटा तुम्हें ये माँ अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है पिताजी, मगर वह मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करती। मेरी पहली माँ देर हो गई तो डांटती थी, ये माँ बोलती है कि अगर तुम घर पर जल्दी नहीं आई तो तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और वो ऐसा ही करती है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। क्या तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ते हैं? हाँ पिताजी, मगर माँ को मत बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, नहीं तो माँ मुझे सजा देगी। ठीक है सुहानी, मैं चलता हूँ, तुम जाओ खेलो जरा। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर राम वहाँ से चला जाता है। राम जाकर सुजाता के कमरे में चला जाता है। सुजाता कमरे में आराम कर रही थी। तभी राम सुजाता से, सुजाता मैंने तुमसे कहा था ना कि सुहानी को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुम उससे बुरा बर्ताव कर रही हो। जी आपको किसने बताया कि मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करती हूँ? मुझे किसी ने कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दिखता है मुझे, समझी? उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो। जी मैं उससे अच्छा बर्ताव करती हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, तुम्हें हुई है, समझी? आज से तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगी, समझी? ठीक है। ऐसा कहकर सुजाता चुप हो जाती है और मन में ठान लेती है कि मैंने अगर तुम्हें मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं, समझी? ऐसा कहकर वो काम करने में लग जाती है। वो सुहानी से बहुत सारे काम करवाया करती थी। अब की बार अगर उससे कोई गलती हो जाती थी तो उसकी उसे सजा मिला करती थी। एक दिन सुजाता किचन में काम कर रही थी, तभी उसके हाथ से तेल की कढ़ाई गिर जाती है। सुजाता सुहानी की ओर देखती है तो सुहानी के पैर पर तेल पड़ा था। वो रो रही थी, उसके पैर पर बहुत बड़े छाले पड़े थे।
तभी सुजाता सुहानी से, अरे इतना रोने की क्या बात है, थोड़ा ही तो तेल गिरा है, ज्यादा नाटक मत करो। माँ बहुत जल रहा है, आग हो रही है पैर में। जाओ जाकर पानी डालो उस पर, समझी। सुहानी लंगड़ाते हुए वहां से चली जाती है, मगर इधर सुजाता खुश थी, उसकी वजह से सुहानी को दर्द हुआ था। अब सुहानी पैर को लेकर रोती है और एक जगह बैठकर सो जाती है। तभी शाम के समय उसके पिताजी आते हैं। वो देखते हैं कि सुहानी के पैर में तो छाले पड़े हुए हैं। वो सुहानी को उठाते हैं और, अरे सुहानी बेटा, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? कुछ नहीं पिताजी, मुझसे गलती से हो गया, माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। राम मन ही मन सोचता है, ये सब सुजाता ने ही किया होगा, तभी तो सुहानी डर के मारे कुछ नहीं बता रही मुझे। कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ही चलता रहा तो सुहानी के जान पर भी बीत सकती है। कुछ सोच सुजाता को बाहर बुलाता है। तभी सुहानी चौंक कर राम की ओर देखती है। तभी राम, सुजाता जल्दी बाहर आओ। जी आपने बुलाया, क्या हुआ है? इसके पैर को क्या हुआ है, तुम घर में होते हुए तुम्हें कुछ पता नहीं? सुजाता अब बहुत डर जाती है और मन में सोचती है, इस सुहानी ने कुछ बताया तो नहीं होगा, नहीं तो आज मेरी कुछ खैर नहीं है, मुझे आज सच बोलना ही पड़ेगा। अजी मेरे हाथ से गरम तेल की कढ़ाई गिर गई थी और सुहानी तभी वहाँ ही थी, उसके पैर पर जाके गिरी, इसमें मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। सच कह रही हो, अगर ये झूठ निकला ना तो तुम्हें मैं हमेशा के लिए तुम्हारे मायके भेज दूंगा, समझी। सुजाता ये सब सुन बहुत डर जाती है और उसे महसूस होता है कि वो कितनी गलत थी। और सुजाता कहती है, मैं अंधी हो गई थी, मैंने अपनी ही बेटी को ठेस पहुंचाई, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मेरा यकीन करो। ये आखिरी मौका है तुम्हारा सुजाता, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, और मेरी बेटी की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सुहानी अब उसके पास आकर बोलती है कि, माँ तुम माफी मत मांगो, तुम तो मेरी माँ हो ना, मेरी अच्छी माँ। ये सब सुन सुजाता की आंखें भर आती है, वो सुहानी को गले लगा लेती है। अब राम भी ये सब देख बहुत खुश हो जाता है, अब वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए।